पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी। क्या आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का असली नाम मोइनुद्दीन था, या फिर ये कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी नहीं फिरोज खान था। हमें भी नहीं पता था, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये फर्जी है, फेक है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनावी रैली के मंच पर बैठी कुछ महिलाओं को लगता है कि यही सच है। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुस्लिम मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नहीं, उनका नहीं, नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है? फिरोज नहीं, नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज जो फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका, बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहे और आपको याद रहे। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहाँ से आते थे? आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। जी आपने कुछ फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। ये कहाँ पढ़ा आपने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुँच रहे हैं, आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर। मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो, अय्याश बता दो। एक वीडियो में बताया गया कि नेहरू की मौत एड्स से हुई है। जैकलिन क्लेनेडी से लेकर मृणाली साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश बताया गया। फोटोशॉप का इस्तेमाल हुआ। विकिपीडिया में नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को लेकर जानकारियां बदल दी गई। पहले प्रधानमंत्री की वंशावली या उन्हें मुगल बताने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है? हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता आईएम अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।